नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कवर करेंगे आईपीएल का मैच नंबर 45 जो कि खेला जाएगा वानखेड़े के ग्राउंड पे, और रन बनेंगे इस ग्राउंड पे और कप्तान बनेंगे बैट्समैन और वाइस कप्तान बनेंगे जो चेसिंग करने वाले चार नंबर के बैट्समैन और बॉलर, ठीक है। और स्पिन को विकेट मिल रहे हैं, लेकिन अभी क्या है ग्राउंड की डायमेंशन छोटी है तो स्पिन को विकेट कम मिल सकते हैं, क्योंकि उसके चलते क्या यदि बैट्समैन हिटिंग करेगा तो ये जो बॉलर एकदम स्लो बॉल डालते हैं स्पिनर उनको विकेट मिल सकता है। जैसे कुणाल पांड्या के चांस ज़्यादा है, कुणाल पांड्या के और रवि बिश्नोई के भी हैं, और वहाँ से कुलदीप यादव के चांस कम है क्योंकि कुलदीप यादव स्पीड ज़्यादा देते हैं बॉल को, इसलिए उनको हिटिंग हो सकती है। तो आप रवि बिश्नोई और कुणाल पांड्या दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो। रवि बिश्नोई पहले बॉलिंग करते हैं तब, कुणाल पांड्या बॉलिंग सेकेंड करते हैं तब, ठीक है। और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से सीवीसी कौन बन सकते हैं, डिकॉक बन सकते हैं, स्टोनिस, ऋषभ पंत और मिचेल मार्श, ये चार कप्तान की चॉइस है। और वाइस कप्तान कुलदीप यादव है, रवि बिश्नोई है, मुस्तफिजुर रहमान और आवेश खान है। मुसाबिर खान को आप कर सकते हो, लेकिन उनको लास्ट में जो तीन विकेट मिले थे तो जहाँ तो मेरे को लगता है वापस वो तीन विकेट लेने के चांस बहुत ही कम है मुसाबिर खान के, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो दो ले सकते हैं या फिर एक विकेट लेके अपना काम निकाल लेंगे। और स्टार्टिंग ओवर की बात करें, चेतन सकारिया और मुस्तफिजुर रहमान, यदि खलील अहमद फिट होंगे तो आपके चेतन सकारिया बाहर हो जाएंगे या फिर शार्दुल ठाकुर को बाहर कर सकती है दिल्ली की टीम, तो आप ये चीज़ फोकस कर सकते हैं। और यदि खलील अहमद खेले तो इनको आप ट्राई करना जब खलील अहमद पहले बॉलिंग करे, ठीक है। और चमीरा और मुसाबिर खान, देखो चमीरा को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करना, कभी कभी इनको सेकंड इनिंग में विकेट मिल जाता है, वो बाय द लक फैक्टर होता है, लेकिन हमेशा उनको सेकंड इनिंग में विकेट नहीं मिलेंगे। तो चमीरा पहले बॉलिंग करे तभी ट्राई करना, मुसाबिर खान को दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। और शार्दुल ठाकुर की बात करें, ये डेथ ओवर करेंगे, अब इनकी किस्मत पता नहीं खराब है, किस्मत खराब नहीं है एक्चुअल में इनका, और राशिद खान का करियर है ना, या हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत खराब कर रहे हैं आईपीएल के चलते हुए, बताऊँ क्यों, क्योंकि शार्दुल ठाकुर है डेथ के बॉलर, मतलब कि 12 से 20 ओवर करने वाले, वहीं पे राशिद खान भी है ना 12 से ओवर करते हैं ना तब विकेट लेते हैं, वो बिग बैश लीग में एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से खेलते थे तभी भी विकेट लेते थे, लेकिन ओवर करने आते थे 12-14 ओवर करते थे और विकेट निकाले थे, और डेथ ओवर भी कभी कभी वो और पीटर सिडल करते थे। तो वही चीज़ है कि राशिद खान है ना डेथ ओवर बॉलर है, मतलब कहने का मतलब है मिडिल ऑर्डर के बाद में, मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग करते हैं ना बैट्समैन उनके लिए है, ना कि जो वन डाउन और ओपनर के लिए राशिद खान नहीं है। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करें हार्दिक पांड्या, तभी राशिद खान रोक कर सकते हैं, नहीं फिर तो राशिद खान को एक एक विकेट मिलता रहेगा आईपीएल में, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो वो चीज़ है, वही चीज़ शार्दुल ठाकुर के साथ में हो रही है। अब क्या पता आज दिनमान बदल जाए, किस्मत बदल जाए तो शार्दुल ठाकुर को विकेट मिल जाए, लेकिन शार्दुल ठाकुर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे तो आप इनको फिक्स कर लेना, इनको ड्रॉप मत करना शार्दुल ठाकुर यदि सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे, ठीक है। और मुस्तफिजुर रहमान पहले बॉलिंग में लेना है, सेकंड इनिंग में इनको ड्रॉप कर देना है। और जैसन होल्डर की बात करें, देखो लास्ट ओवर में जैसन होल्डर को सिर्फ एक ही ओवर दिया था, नाम मात्र सिर्फ एक ओवर दिया था, वो मुसाबिर खान को चार ओवर करा दिए थे। अब देखो यदि कोई बैट्समैन खेले एक्स्ट्रा, यदि कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन खेले लखनऊ में तो होल्डर को ओवर मिलने के चांस है। और दूसरी सिचुएशन ये होगी, यदि कुणाल पांड्या में से और रवि बिश्नोई में से कोई ज़्यादा स्कोर रन खाएगा तो उनको ओवर कम दे के जैसन होल्डर को ओवर दे सकते हैं। यदि जैसन होल्डर पहले बॉलिंग करते हैं ना, होल्डर के चार ओवर या तीन ओवर तो फिक्स है, ठीक है ना, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन सेकंड बॉल में जैसन होल्डर के रन वो कट सकते हैं, क्योंकि देखो लोकेश राहुल की माइंड सेट क्या है कि उनको ये लग रहा है कि सेकंड इनिंग में स्पिनर ज़्यादा विकेट लेते हैं, अपन को भी लग रहा है, उनको भी लगता है, तो वो क्या करता है सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा ओवर दे देते हैं कंपेरिजन टू पेसर्स। तो लास्ट ओवर में, लास्ट मैच में यही सिचुएशन हुई थी, लेकिन आज लखनऊ टीम पहले बॉलिंग कर ले तो होल्डर को आप कप्तान में बना सकते हो या फिर वाइस कप्तान बना सकते हो और टीम में रख सकते हो, और कुणाल पांड्या को ड्रॉप कर सकते हो। और चमीरा की मैंने बता दिया है, और टीम पार्टीशन 6-5 और 5-6 का रखेंगे। और क्रेडिट रेंज की बात करें सीआर की, तो सीआर रहेगी अपनी 97-99.5 की रहेगी। इसमें मैंने सारे कॉमन प्लेयर ले लिए, मतलब सारे प्लेयर के 99 कर दिए, तो सॉफ्टवेयर के लिए वो दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक मैं तभी करता हूँ जब ऐसे लग रही है कि टीम आसानी से बन जा रही है, तभी हम टीम क्रिएट करने के लिए 99 मतलब हर एक क्रेडिट प्लेयर को 9 देते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो 2-3-2-4 रह सकता है, और आप रिस्क ले सकते हो। देखो विकेट कीपर में तीन बैट्समैन हैं आपके, ऋषभ पंत है, केटन डिकॉक है और लोकेश राहुल है। देखो लोकेश राहुल की दिक्कत है लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर, अब ओपोनेंट में देखते हैं दिल्ली की टीम है, चलो दिल्ली की टीम में कौन है, चेतन सकारिया लेफ्ट आर्म बॉलर है, मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म बॉलर है, और दोनों स्टार्टिंग ओवर करेंगे तो 90% चांस है कि लोकेश राहुल फ्लॉप हो जाए, 90%, ठीक है। और 10% चांस वो है क्योंकि वानखेड़े में मैच हो रहा है, तो वानखेड़े में क्या है हो रहा है कि डायमेंशन छोटी है, ठीक है ना, तो वहाँ पे दिल्ली को इनका विकेट लेना है ना, तो इनको स्लिप में दो प्लेयर लगाना चाहिए
और बाहर की साइड इनको बॉलिंग करानी चाहिए लोकेश राहुल को, तब विकेट मिल सकता है लोकेश राहुल का, या फिर इन स्विंग करा के स्लिप लगा दो और वो कैच आउट हो सकते हैं। वो दो सिचुएशन होंगे कि लोकेश राहुल आउट होंगे। यदि ये सोच रहे हैं कि लोकेश राहुल को बाउंड्री हिटिंग के लिए आउट करा दे कि भाई लोकेश राहुल हिटिंग करे और उनको आउट कर दे, तो वो चांस बहुत कम है क्योंकि डायमेंशन छोटी है इस ग्राउंड की। तो यदि विकेट मिलेगा ना तो स्लिप में जो फील्डर होते हैं ना उनको कैचेस की पोजिशन वाले, जैसे कि आपके डेविड वार्नर हो गई दिल्ली के लिए, वो कैचेस पे रहते हैं स्लिप में, तो वो ट्राई कर सकते हो, तो उनको दो दो तीन कैच के पॉइंट भी मिल सकते हैं। वो चीज़ है, लोकेश राहुल तभी आउट होंगे, तभी मुस्तफिजुर रहमान और चेतन सकारिया पावर प्ले में स्लिप लगाए, वो भी दो स्लिप, एक स्लिप नहीं दो स्लिप और एक विकेट कीपर, तभी इनको विकेट मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा लोकेश राहुल का, ठीक है। और डिकॉक की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन में दूसरे डिकॉक है, तो डिकॉक है ये सेकेंड इनिंग प्लेयर है, बैटिंग फर्स्ट करते हुए कम से कम 45 या फिर 30-45 का पॉइंट दे देंगे, मतलब ये कप्तान वैसे कप्तान नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने को इनको एज ए कैप्टन इसलिए लिया कि क्या पता ये सेकंड चेस में अच्छा करेंगे श्योरली करेंगे, तो मैंने डिको को अभी के लिए इसलिए लिया है कि वो चेसिंग करेंगे इनकी टीम, तो तभी मैंने रवि बिश्नोई को विसी किया है ना, क्योंकि बिश्नोई पहले इनिंग में विकेट लेता है, वो चीज़ है, ठीक है ना। और ऋषभ पंत बात करें, ऋषभ पंत दोनों इनिंग के प्लेयर हैं, इनको देखो ओब्रेक की दिक्कत है, ओपोनेंट में ओब्रेक है, बदोनी है, हुडा है, लेकिन उनको ओवर कम देगी, तो लेकिन बाय चांस विकेट नहीं मिलेगा, स्पिन को इतना फेवर नहीं कर रहा है वानखेड़े, तो ये ऋषभ पंत के लिए प्लस पॉइंट है। और दिक्कत दूसरी दिक्कत है उनकी राइट आर्म फास्ट बॉलर, तो ओपोनेंट की टीम है आपके लखनऊ में राइट आर्म फास्ट बॉलर चमीरा है, ठीक है। अब चमीरा ओवर कब करते हैं, पहला ओवर करेंगे चमीरा और तीसरा ओवर करेंगे चमीरा, हो सकता है तो फिर आप पांचवा ओवर करेंगे, तब तक ऋषभ पंत की बैटिंग तो आएगी नहीं, और फिर चमीरा का एक ओवर बचेगा तो चमीरा का ओवर तो निकल जाएगा, तो ऋषभ पंत चमीरा ऋषभ पंत को तो आउट नहीं कर सकते, तो आपके ऋषभ पंत भी चल सकते हैं, और उस सिचुएशन में आपके लोकेश राहुल ड्रॉप हो जाएंगे, डिकॉक ड्रॉप हो जाएंगे, और चमीरा का विकेट दे रहा है तो आप ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दो, यदि आप चमीरा को कप्तान कर रहे हो तो ऋषभ पंत को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ है। और बैटिंग सेक्शन में भी बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन उनमें से मैं फोकस करना चाहता हूँ ग्रैंड लीग के लिए, ना तो मैं डेविड वार्नर बता रहा हूँ ना मैं प्रीति शाह बता रहा हूँ, मैं दो ही प्लेयर का नाम बता रहा हूँ, एक तो मार्कस स्टोनिस है, ठीक है, जो स्कोर कर सकते हैं, और एक मिचेल मार्श है, दोनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, क्या पता ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आज परफॉर्मेंस दिखा ही देंगे। यदि मिचेल मार्श खेले तो मिचेल मार्श पहले बैटिंग करते हैं ना, ये बंदा बहुत तगड़ा खेलता है, पहले बैटिंग करते हैं, अभी मिचेल मार्श आईपीएल में सिर्फ दो मैच खेले, दोनों में इन्होंने चेस किया है तभी आउट हो चुके, लेकिन पहले बैटिंग करते समय मिचेल मार्श बहुत ही कम आउट होते हैं, वो नॉट आउट जाते हैं मिचेल मार्श बहुत बार एशिया में, हालांकि इनका रन बहुत कम है, लेकिन क्या पता रिकॉर्ड धरे के धरे रह जाते हैं और प्लेयर के आगे, तो वही कोहली की बात हुई थी, विराट कोहली कंटिन्यू फ्लॉप हो रहे थे, उनके सामने दिक्कत भी थी बॉलर्स की, लेकिन विराट कोहली ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया ना, तो वही चीज़ हो सकती है मिचेल मार्श के पास, कि मिचेल मार्श भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और मार्कस स्टोनिस भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, ठीक है। और ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे को यदि कोई अभी कोई नहीं लग रहा कि सीवी से बनेगा, और बॉलिंग सेक्शन में देखो मुस्तफिजुर कुलदीप यादव को विकेट कम मिलेगा, चांस कम है, ठीक है, और रवि बिश्नोई पर ट्राई कर सकते हो, और आप मुस्तफिजुर रहमान और चेतन सकारिया, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में इन्होंने तीन तीन विकेट निकाल रखे हैं जब ये राजस्थान की तरफ से खेलते थे, तो आप बॉलिंग सेक्शन में इनको ट्राई कर सकते हो, तो मैंने हर एक सेक्शन में से आपको ग्रैंड लीग के लिए कप्तान वाइस कप्तान बताए हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और कॉम्बिनेशन की बात हो गई, अपनी सिंगल सीवीसी की बात करें तो डिको को कप्तान वाइस कप्तान बिश्नोई को कर सकते हो, और मिचेल मार्श को कप्तान और वाइस कप्तान आप शार्दुल ठाकुर को कर सकते हो, क्योंकि मिचेल मार्श पहले बैटिंग करते हैं तब अच्छा करते हैं, और शार्दुल ठाकुर बॉलिंग सेकंड करते हैं तब अच्छा करते हैं, तो ये चीज़ बांध के रख लो, गार्ड बांध लो कि ठाकुर और मिचेल मार्श दोनों साथ में चलेंगे भाई, और बिश्नोई और डिको साथ में चलेंगे, ये चीज़ें आप फोकस करके टीम बनाया करो, आप उसके हिसाब से टीम बनाया करो। और सारे पिछले मैच में, मतलब कि लखनऊ के लास्ट मैच में मैंने वीडियो बनाए हैं, तो उसमें आप इनिंग वाइज भी प्लेयर के देख सकते हो कौन सा प्लेयर कब इनिंग में अच्छा करता है, तो मैंने हर एक प्लेयर का बता दिया है, और मैंने रिस्की ग्रैंड लीग के लिए बता दिया है मार्कस स्टोनिस डिकॉक तो रिस्की का आशिया भैया, मार्कस स्टोनिस मिचेल मार्श और मुस्तफिजुर रहमान चेतन सकारिया रवि बिश्नोई और शार्दुल ठाकुर सेकंड इनिंग में करेंगे, तब आपके सकारिया और उसमें यह मुस्तफिजुर रहमान ड्रॉप हो जाएंगे, फिर सकारिया और ठाकुर का कॉम्बिनेशन बन सकता है सेकंड इनिंग में, और पहले इनिंग में सकारिया और रहमान का कॉम्बिनेशन बन सकता है कुलदीप यादव के साथ में, ये चीज़ें हैं आपके लिए। और हम करते हैं
उस समय अपन ने पहले वीडियो बनाया था उसमें सर्वर डाउन था सॉफ्टवेयर का, लेकिन अभी एकदम परफेक्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि अपन वीडियो बना देते हैं, अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं गया है, अभी 9 बजे हैं, तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया है, सेकंड पार्ट कह सकते हो इस वीडियो का सॉफ्टवेयर के लिए। तो मैंने जो बताया तो उसी प्रेडिक्शन हिसाब से ले रहे हैं, और मैंने आपको वीडियो में बता देता है कौन सा बैट्समैन कब चलेगा। आपके लिए वापस रिपीट कर देता हूँ, लोकेश राहुल पहली इनिंग में, डीकॉक सेकंड इनिंग में, ऋषभ पंत दोनों इनिंग में ट्राई कर सकते हो। आयुष बदोनी, जब आयुष बदोनी पहले बैटिंग करते तभी स्कोर करते हैं, सेकंड बैटिंग में ये आउट हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड बैटिंग में ये स्पिनर्स को किसी को नहीं खेल पाते हैं। आयुष बदोनी, मार्कस स्टोनिस, दीपक हुडा और रेमन पोवल और डेविड वार्नर, मिचेल मार्स, पिर्तिसो। अब देखो बात करें मार्कस स्टोनिस की, इनकी फॉर्म दर खराब, मतलब कि ये बोले कि बहुत ही खराब चल रही है विराट कोहली की तरह, तो विराट कोहली की तरह ये भी बाउंस बैक कर सकते हैं। मार्कस स्टोनिस नाम है इनका, यदि ये फॉर्म में आ गए ना, ये पहले ही बैटिंग करते तभी फॉर्म में आते हैं, चेस्ट में बहुत कम आते हैं, चेसिंग में फॉर्म में नहीं आते, लेकिन ये पहले बैटिंग करते हैं ना बहुत अच्छा खेलते हैं। इनको वन डाउन पे मिल रहा है, कल मिला था, आज भी मिल सकता है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। और मिचेल मार्श की प्लेयर है कप्तानी के लिए, मैंने आपको वीडियो में बताया वो इस पार्ट में मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप इनको मिचेल मार्श और मार्कस स्टोनिस को CVC कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हो। जेसन होल्डर लखनऊ की टीम पहले बॉलिंग के लिए तभी ट्राई करना, क्योंकि लास्ट मैच में इनको एक ही ओवर मिला था और वो सेकंड बॉल की थी तब मिला था, तो लखनऊ पहले बॉलिंग करे तभी इनको 3 ओवर मिलेंगे। फिर यहाँ पे क्या कुणाल पांड्या है, फिर मुसाविर खान, समीरा में से एक का ओवर कट जाएगा, तो आप ट्राई देख लेना। और कुणाल पांड्या सेकंड बॉल करते हैं तभी आप 90% ड्रीम टीम में रहते हैं, और नहीं फिर वो 30-40 पॉइंट दे देते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि वाइस कप्तान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कप्तान की चॉइस। और VC के लिए मैं बता रहा हूँ, आप कॉमन VC ले लिया करो, जैसे कि लखनऊ की तरफ से आप डिको को VC कर सकते हो और आप बिश्नोई को कर सकते हो VC। ये दो प्लेयर सेफ है कि ये 30-40-50 पॉइंट दे सकते हैं, तो VC कभी दिक्कत नहीं करता। आपने देखा होगा जिस मैच में रिस्की प्लेयर चलते हैं तो उसमें क्या होता है, CVC कप्तान तो उसका अच्छा होता है जो फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं, लेकिन उनका वाइस कप्तान बहुत ही ख़राब होता है, मतलब कि वो परफॉर्मेंस नहीं करता, उनका 30-40 पॉइंट होता है फिर भी वो अच्छी रैंक हासिल करते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो कि VC आपको कॉमन रखना है और कप्तान आपको रोटेट करना है, ठीक है। और उसी के हिसाब से मैं आपको अभी टीम क्रिएट करके दूंगा। ललित यादव तो अक्षर पटेल दोनों में से एक रहेंगे, और मैंने आपको बताया था ललित यादव सेकंड इनिंग में, अक्षर पटेल पहले इनिंग में बॉलिंग करते, तब रोहित बिश्नोई, अवेश खान, समीरा, मुसाबिर खान, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, शार्दुल ठाकुर। देखो शार्दुल ठाकुर की कहानी ये है कि ये सेकंड बॉल में करते हैं ना तो भी अच्छा कर सकते हैं, तो मिचेल मार्श और शार्दुल ठाकुर का कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो आप ट्राई करके जरूर देखना, ठीक है। फिक्स प्लेयर की बात करें तो डीकॉक फिक्स प्लेयर है, डीकॉक को इसलिए क्यों फिक्स करें यार, डीकॉक यदि डीकॉक की टीम पहले बैटिंग कर जाए तो फिर यार दिनमान खराब है, मतलब कि टाइम खराब है, तो अभी इनको फिक्स नहीं करते हैं। आप मार्कस स्टोनिस और मिचेल मार्श को फिक्स कर सकते हो, और जेसन होल्डर ये बहुत मुस्कुरा रहे, क्या पता आज मुस्कुराते हुए अपन को ग्रैंड लीग जिता दे। रवि बिश्नोई हो गए और आपके यहाँ से हो गए चेतन सकारिया, ये फिक्स प्लेयर हैं। और कप्तानी के लिए बात करें तो डीकॉक, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोनिस और आपके मिचेल मार्श, सिर्फ 4 प्लेयर मैंने कप्तान लिए हैं। मैंने बॉलर को कप्तान इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यार बॉलर कप्तान नहीं बनेंगे, उमरान मलिक बन गए थे वो अलग बात है, उनको 5 के 5 विकेट उनको मिल गए थे, वही 5 विकेट 3 बॉलर को मिलते हैं तो कुछ बनते बॉलर कप्तान नहीं बनते ना, वही चीज़ है। आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो वाइस कप्तानी के लिए, इनको ट्राई करना है, वापस इन्हीं को ट्राई करना है। और यदि आपको लगता है कि यार वाइस कप्तान अपन को सेव बनाना चाहिए, मतलब ये स्कोर कर दे, तो आप डेविड वार्नर को वाइस कप्तान कर सकते हो, और आप है ना रवि बिश्नोई को वाइस कप्तान कर सकते हो। और बॉलिंग में से मैंने आपको बताया मुस्तफिजुर रहमान, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव, कहाँ पे गए कुलदीप यादव और आपके अवेश खान, ये CVC होंगे। और 6-5 और 5-6 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अपन टीम क्रिएट करेंगे, 97-100 2-3-2-4 2-3-2-4 आज का कॉम्बिनेशन रहेगा, मेरे को लगता है रहेगा 90% 98.99, 2% काम टाइम ख़राब होता है, मतलब कि बाई चांस बैट्समैन चल जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उसी सेक्शन में क्या होता है ऑलराउंडर 30 पॉइंट देता है और आपके जो बैट्समैन होता है वो 32 या फिर 35 पॉइंट देता है, वो 5 पॉइंट का डिफरेंस आता है। नंबर ऑफ टीम 20 टीम, अपन 20 टीम क्रिएट की है। अब सारी टीम आप देख सकते हो, जिस टीम में सिंगल CVC हो आप उनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये टीम चलने के चांस कम है, ये चल सकती है। मार्कस स्टोनिस बहुत बार ट्राई हो चुके हैं, अब जो मिचेल मार्श होंगे आप उन्हीं को ट्राई करेंगे। डीकॉक हो, ये कॉम्बिनेशन मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, लखनऊ की तरफ से कप्तान डीकॉक होते हैं, वाइस कप्तान बिश्नोई होते हैं, और ड्रीम इलेवन में ये कप्तान वाइस कप्तान रह चुके हैं एक बार, तो वापस से इनकी परफॉर्मेंस आ सकती है, क्योंकि कंटिन्यू अभी इनका फॉर्म दोनों का खराब है, मतलब कंटिन्यू ये कप्तान वाइस कप्तान नहीं बन रहे हैं, तो ये बन सकते हैं क्योंकि कुणाल पांड्या तो अच्छे कर रहे हैं लगभग, तो इसलिए ठीक है। और इसमें मुस्तफिजुर रहमान नहीं, ये सही है, मिचेल मार्श
मिचेल मार्श, डेविड वार्नर। यहाँ पे क्या हो सकता है कि चमीरा, ये देखो ये टीम अच्छी है, यहाँ पे चमीरा पहले बॉलिंग करते समय आपके प्रीति शो को आउट कर दे, फिर मिचेल मार्श आके और डेविड वार्नर के साथ में पार्टनरशिप कर ले तो ये टीम आपकी रोक कर सकती है, ठीक है। और मिचेल मार्श इसमें रवि बिश्नोई, अब इसमें क्या सिचुएशन है, इसमें सिचुएशन ये है कि जैसन होल्डर और रवि बिश्नोई दोनों विकेट ही ले ले, ये चांस कम है यार, इसमें वो नहीं है आपके। और मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, रहमान पवल, आप इस टीम को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो यदि जमीरा विकेट नहीं लेते, मुसाफिर खान विकेट लेते हैं तो ये टीम चल सकती है। तो वही उसी के हिसाब से प्लेयर है ना, सॉफ्टवेयर प्लेयर को रोटेट करता है कि भाई ये बॉलर विकेट ना ले तो ये लेगा तो अपनी ये टीम रोक कर जाएगी, ये टीम नीचे आ जाएगी, तो उसी के हिसाब से प्लेयर रोटेट होते हैं। और अपन से क्या होता है कि जो बाई हैंड टीम बनाते हैं ना, तब ने क्या होता है कि अपन प्लेयर को रोटेट नहीं कर पाते, अपन कर तो देते हैं लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो अपने फेवरेट प्लेयर होते हैं अपन को उसी पर फोकस करते हैं और जो लो सिलेक्शन प्लेयर है अपन उनको ड्रॉप कर देते हैं, तो इसलिए अपन से टीम अच्छी नहीं बनती है। लेकिन सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम यूज करता है, उस एल्गोरिथम के हिसाब से क्या होता है कि एक ही टीम को पांच तरीके से बनाने का तरीका सॉफ्टवेयर रखता है अपने से ज्यादा, तो इसलिए अपन सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए टीम बनाते हैं। अब मैंने सारे टीम शेयर कर दिए, आप ट्राई कर सकते हो, और जो एक्सपर्ट सेक्शन में जाओगे और जो पहले टीम शेयर की हुई थी, अब देखो ये तो 42 मिनट की 6 सेकंड, जो अभी टीम मैंने शेयर की है वो आपको यही देखनी है, ये सारी टीम आप देख सकते हो। अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और एक बात मैं कहना भूल गया था कि जो नए यूजर्स हैं, नए अपने यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं। और आप सॉफ्टवेयर बाय करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, आप बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच।